कहां हुई राहुल की सुरक्षा में चूक, राहुल की सुरक्षा में चूक क्यों हुई, जेड कैटेगरी सुरक्षा के बावजूद चूक क्यों। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। जेड कैटेगरी की सुरक्षा के बावजूद एक बार फिर राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लग गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सुरक्षा में मध्य प्रदेश के उज्जैन में चूक हुई, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इससे ये सवाल उठता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्ताधारी बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ क्या कोई समझौता किया गया है। सवाल ये है, क्या ये चूक मानवीय भूल के कारण हुई या इसके पीछे लापरवाही है, या राहुल की सुरक्षा को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके जरिए उन्हें कोई सूक्ष्म संकेत दिया जा रहा है। राहुल गांधी की समर्थक और उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रही JNU की एक छात्रा की मोबाइल, क्रेडिट कार्ड और नकद पैसे चोरी हो गए। इस पदयात्रा में साथ चल रहे दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रविवार को रात रजवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करने राहुल गांधी गए तो उनके साथ JNU की छात्रा शेरेन भी थी। शेरेन केरल की रहने वाली है, JNU में पढ़ती है, छात्र राजनीति से जुड़ी हुई है और राहुल गांधी के बेहद नजदीक है। उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी खुद पत्रकारों को दी। शेरेन ने कहा, जब वो रजवाड़ा के चिमनबाग के लिए रवाना हुई, उसके पास से क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, 20,000 रुपए नकद, ATM, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड समेत कई चीजें चोरी हो गई। स्थानीय पुलिस को खबर मिली कि राहुल गांधी सेफ हाउस से चोरी हुई है, इस पर इंटेलिजेंस विंग भी अलर्ट हो गई। MG रोड पुलिस ने छानबीन शुरू की और शेरेन का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने बैंक वालों को फोन कर शेरेन के अकाउंट क्लोज करवा दिया ताकि कोई पैसे ना निकाल ले। इससे पहले भी राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध लगी थी। भारत जोड़ो यात्रा जब कर्नाटक के मैसूर से गुजरी थी, एक जगह राहुल गांधी को लगभग 20 मिनट तक बीच सड़क पर खड़े रहना पड़ा था, जबकि उस समय मूसलाधार बारिश हो रही थी। राहुल गांधी के वहां रुकने की वजह ये थी कि उसके आगे की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई पुलिस अधिकारी वहां था। भारत जोड़ो यात्रा में एक बार फिर सुरक्षा में चूक हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में दाखिल हुई। यात्रा मध्य प्रदेश में 13 दिन रहेगी और 382 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। याद दिला दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई, ये जनवरी में जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। यात्रा 5 महीने में लगभग 3,600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।